नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग पिछले दिनों से भारतीय इतिहास के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग को भारतीय इतिहास के शाहजहां वाले टॉपिक पर बात करनी है। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जी एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनको इस साल बीपीएससी में मौका मिले फॉर्म भरने का, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर आया है। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, 66वीं बीपीएससी के लिए वैकेंसी कल आई है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग को बीपीएससी के लिए पीटी के लिए तैयारी करना है वो लोग इस बार फॉर्म भरें और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें। हालांकि थोड़ी सी लेट हो रही है वीडियो अपलोड करने, मुझे थोड़ा सा कुछ समय का दिक्कत है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कुछ घरेलू कार्यों में, जिसके वजह से आप लोगों को लेट से वीडियो मिल रहा है। इसके लिए अगेन सॉरी आप लोगों से, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंटिन्यू जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बहुत सारे तमाम छात्रों से मेरा एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़, आपसे मैं लगातार यह बात बोलता हूँ पढ़ाने से पहले और हमेशा बोलते रहता हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ भाई मेरे, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास उसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देखें और समझें, उनको भी अच्छा लगे तो वो भी पढ़ेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति का जो है एडवर्टाइजमेंट होता है। आपको मैं बता दूं कि आपसे तो मैं एक रुपया भी नहीं ले रहा हूं, आपसे किसी प्रकार का फी भी नहीं ले रहा हूं। आपको मैंने वादा किया है कि जब तक ऑफलाइन जो है क्लास नहीं खुलती है, ऐसा नहीं, ऑफलाइन क्लास खुलने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पर आपको कंटिन्यू क्लास फ्री में देते रहूँगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ऐसे कि सरकार का गाइडलाइंस थोड़ा सा जो है सुनने में आ रहा है कि पटना में जो है बहुत सारे लोग जो है इसी 21 तारीख के बाद जो है अपना संस्था ओपन करने वाले हैं, ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए कहाँ तक संभव होता है, यदि सारे लोग जो है ऑफलाइन जो है अपनी संस्था खोलेंगे, पढ़ाएंगे, तो मैं भी अपना जो है संस्था पटना में खोलूंगा, मैं भी ऑफलाइन क्लास जो है सारे छात्रों को कराऊंगा। चलिए उससे पहले तो हम लोग बात आज कर लें, शाहजहां वाले टॉपिक पर बात करना है। हम लोग पिछले क्लास में जहांगीर के बारे में बात किए थे। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने क्लाइमेक्स पर था, चरमोत्कर्ष पर था, प्रकाष्ठा हासिल किया था जहांगीर ने चित्रकला में। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में शाहजहां टॉपिक जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बराबर बनते हैं। आपको एक बात और बता दें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराएगी। हालांकि थोड़ा सा लेट हो रहा है, कुछ घरेलू कार्य में हम बिजी हैं जिसके वजह से, लेकिन आप निश्चिंत रहे आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें नो डाउट कि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है कि सर जो है कोर्स धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं या ये धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोर्स बहुत तेजी से चलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग बिहार दरोगा 2213 पद के लिए वैकेंसी भरे हैं, जिनका एग्जाम में अभी टाइम है, पीटी के एग्जाम होने वाला है, ऐसे तो अभी 11 अक्टूबर को बिहार दरोगा 2446 वाला जो है एग्जाम होने वाला है, लेकिन जो 2213 का भी फॉर्म भर रहे हैं, 24 तक डेट भी है 2213 का फॉर्म के लिए, और जो 66वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली दो एग्जामों का हम बात कर रहे हैं, और खासकर जो एनटीपीसी बिहार सचिवालय, उसके अलावा बहुत सारे जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, उनकी तैयारी मैं आपसे वादा करता हूं कि उस समय तक बहुत ही बेटर रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी कोर्स भले आजकल थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बहुत ही तेजी से अपडेट हो जाऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। शाहजहां के बारे में बात किया जाए थोड़ा सा, तो बात को समझिएगा। भारतीय इतिहास में शाहजहां का नाम खुर्रम मिलता है। भारतीय इतिहास में शाहजहां का प्रारंभिक नाम पर हम बात करें, प्रारंभिक जो नाम वास्तविक बचपन के नाम पर बात करें, तो खुर्रम बताया जाता है। आपको पता होगा कि जहांगीर की पत्नी जिनका नाम जगत गोसाई था। थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बराबर आपसे बोलता हूं कि लिखने का कम कोशिश कीजिए, बात को समझने का ज्यादा कोशिश कीजिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा। जहांगीर की पत्नी जो थी उनका नाम जगत गोसाई था, आपको याद होना चाहिए, जहांगीर की पत्नी का नाम जगत गोसाई था, उन्हीं को आगे जोधाबाई के नाम से भी जाना गया है। जगत गोसाई जो थी वह जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और आपको बताया थे कि मोटा राजा का टाइटल जोधपुर के शासक उदय सिंह को अकबर ने प्रदान किया था।
मोटा राजा का टाइटल यानी उपाधि अकबर ने उदय सिंह को दिया था, किस तरह से दिया था बात को समझिएगा। आपको बताए थे कहानी में हम कि उदय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उनके बड़े भाई का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन को अकबर ने परास्त किया और उसी एवज में उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया था, और वहीं पर जोधपुर के शासक उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा का टाइटल दिया था, जिससे खुश होकर उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का शादी जहांगीर से करने का प्रस्ताव रखा था। चलिए खैर, ये तो बात हम लोग पीछे किए थे। आज की मुद्दा है शाहजहां। शाहजहां पे हम बात करें तो शाहजहां को जन्म को लेकर थोड़ी सी हम बात करें, शाहजहां के हम प्रारंभिक जीवन पे थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं, तो सबसे पहले शाहजहां के जन्म को देखते हैं। शाहजहां का जो बर्थ है, जन्म जो है, वह 5 जनवरी, बात याद रखिएगा, 5 जनवरी 1592 को हुआ था। शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 को कहां हुआ था, यदि पूछ दे, याद रखना है, लाहौर में हुआ था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, इस बात को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। यदि आपसे कभी पूछ दे कि जहांगीर का जन्म, तो 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र शाहजहां जो शासक बनेंगे, वह 1528 में, सॉरी 1628 में सत्ता को संभालेंगे। शाहजहां सत्ता में कब आएंगे? तो 1628 में। जन्म कब हुआ? 1592 में। बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात करें कि शाहजहां के प्रारंभिक जीवन में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, यहां पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा, शाहजहां का बचपन का नाम, आपसे यदि प्रश्न पूछे शाहजहां का बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो आपको क्या बताना है? खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। देखिएगा, बहुत सारे छात्रों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि यह शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, शाहजहां कब हुए जी? यह बात आता होगा कि सब खुर्रम था तो शाहजहां कब से कहलाए? इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले आप खुर्रम को समझे, उसके बाद शाहजहां को समझिएगा। खुर्रम जो यह नाम था, खुर्रम यह नाम आप देख रहे हैं, यह नाम अकबर ने रखा था। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि यह खुर्रम नाम किसने रखा था? अकबर ने इनका नाम खुर्रम रखा था। और आपको बता दें, अकबर की एक पत्नी, पहली पत्नी, अकबर की पहली पत्नी का नाम रुकैया बेगम था। बात को ध्यान समझिएगा, अकबर की पहली पत्नी का नाम, यदि आपसे कहीं प्रश्न पूछ दे अकबर की पहली पत्नी का नाम क्या था मेरे भाई, तो रुकैया बेगम था। अकबर की पहली पत्नी का नाम रुकैया बेगम था। देखिएगा, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि शाहजहां पढ़ाते पढ़ते अकबर में कहां चल गए। मेरे भाई, बात को आप समझने का कोशिश कीजिए, अकबर में ऐसे नहीं चल जाएंगे। अकबर में जाने के पीछे कुछ रीजन है। आपको मैं चाहता हूं कि इतिहास दिमाग में छप जाए एकदम, कहानी जैसे। आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़े, इस लेवल पे आपको तैयार करना है। अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम थी। रुकैया बेगम का कोई पुत्र नहीं था, रुकैया बेगम का कोई औलाद नहीं था, इसे कहिए, पुत्र पुत्री नहीं, रुकैया बेगम का कोई औलाद नहीं था। रुकैया बेगम ने प्रारंभिक समय में खुर्रम यानी शाहजहां का लालन पालन पोषण किया है। आपको बात समझ में आ रही है? रुकैया बेगम ने शुरुआती दौर में शाहजहां को पाला पोसा, उसको हर तरह से जो है तैयार किया। यदि कभी आपसे पूछ दे कि शाहजहां का लालन पालन पोषण किसने किया है, तो अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम ने किया है। रुकैया बेगम का कोई औलाद नहीं था और अकबर ने ही खुर्रम इनका नाम रखा था। बात क्लियर होना चाहिए, इनका नाम खुर्रम कौन रखा था? तो अकबर ने रखा था। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाएं। यहां पर हम बात करें कि शाहजहां यह कब हुए, तो उस पर आने से पहले हम एक बात और करें। आपको बता दें कि शाहजहां जो है वह 1607 ईस्वी में, इस समय को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1592 में इनका जन्म होता है और 1607 ईस्वी में इनका इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट कहिएगा क्या मेरे भाई? तो सगाई होता है, सबका सगाई होता है, सबका एक दिन ब्याह होगा,
सबका एक दिन शादी होगा, सबका एक दिन सगाई होगा। तो यहाँ पर हम बात करें, शाहजहां का जो सगाई हुआ था वह 1607 में हुआ था। अब कहिए कि मेहरारू के नाम क्या था, शाहजहां के मेहरारू यानी पत्नी के नाम क्या था, याद रखिएगा किनसे सगाई हुआ था। तो इनके पत्नी का नाम अर्जुमंद बानू बेगम था, इनके पत्नी का नाम अर्जुमंद बानू बेगम था, अर्जुमंद बानू बेगम। देखिएगा शाहजहां की यह पत्नी थी अर्जुमंद बानू बेगम, जिनसे शाहजहां अर्थात खुर्रम का सगाई 1607 ईस्वी में हुआ। सगाई कब हुआ मेरे भाई, 1607 में। अब कहिए कि सगाई हुआ तो ब्याह कहिया हुआ, यह बात याद रखना पड़ेगा कि सगाई तो हो गया 1607 में, तो विवाह कहिया हुआ, तो याद रखना है विवाह जो हुआ वह 1612 में हुआ। शाहजहां से अर्जुमंद बानू बेगम का शादी यदि आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 1612 में इनका विवाह हुआ था और 1607 में सगाई हुआ था। कहिएगा इस 7 और 12 का जो फासला है, 5 साल, ये क्यों सर? अरे मेरे भाई, इसके पीछे भी एक रीजन है। उस समय अर्जुमंद बानो बेगम ऐसा बताया जाता है, अर्जुमंद बानो बेगम ऐसा बताया जाता है 5 साल क्यों गैप हो गया, कि यह मात्र 15 साल की थी। अर्जुमंद बानो बेगम मात्र कितना साल की थी, 15 साल की थी। तो जब 15 साल की थी, यहाँ बात करना है वयस्क पर, यानी वयस्क मतलब 18 साल, आफ्टर 18 ईयर्स। तो जब 18 साल का कोई होगा तभी ना शादी होगा मेरे भाई। तो उस समय 1607 में अर्जुमंद बानो बेगम 15 साल की थी, तब जाके 1612 में इनका ब्याह हुआ। अब समझ में आया कहा इस तरह का बात हुआ था। चलिए, तो शाहजहां की पत्नी का नाम आपको पता चला होगा अर्जुमंद बानो बेगम है। थोड़ा सा और बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आए तो आप स्क्रीन शॉट डायरेक्ट ले सकते हैं, बात को समझिएगा थोड़ा सा। अब हम बात क्या करें कि शाहजहां की पत्नी जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, इनसे तो शाहजहां का विवाह हुआ। अब कहानी क्या है थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्जुमंद बानो बेगम, क्या नाम है भाई मेरे, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना, याद रहेगा ना अर्जुमंद बानो बेगम, याद रहना चाहिए। अरे सबको तो अपना पत्नी का नाम याद रहता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ इनके पत्नी का नाम जरूर याद रखना पड़ेगा। काहे, काहे कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी मेरे भाई, यो बात याद रखना पड़ेगा। अर्जुमंद बानो बेगम आखिर कौन थी, तो याद रखो ना आसफ खां की लड़की थी। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी, आसफ खां की पुत्री थी। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी, तो अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की पुत्री थी। और आपको हम बताए थे शायद पीछे जहांगीर वाले टॉपिक में कि आसफ खां का एक और नाम अलमास बेग भी मिलता है, आसफ खां का एक और नाम अलमास बेग भी मिलता है, इन्हीं को आसफ खां कहा गया है, अलमास बेग उर्फ आसफ खां, बात क्लियर है। तो इन्हीं के पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिनसे खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में हुआ। अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहां से आपको याद रखना है कि जैसे 1612 में शाहजहां जी का शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हो जाता है, तो शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को एक टाइटल दिया था, याद रखना पड़ेगा, एक उपाधि भी दिया था, और उपाधि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना पड़ेगा कौन सा उपाधि दिया था शाहजहां, तो मलिका ए जमानी, मलिका ए जमानी। शाहजहां ने यह उपाधि जो है अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दिया था, मलिका ए जमानी की उपाधि दिया था। यदि आपसे कभी पूछ दे कि मलिका ए जमानी का टाइटल किसने किसको दिया था, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दिया था। अब और बात कर लें, अर्जुमंद बानो बेगम को आगे चलकर मुमताज महल भी कहा गया है। आपको तो पता ही है अर्जुमंद बानो बेगम को आगे चलकर मुमताज महल के भी नाम से जाना गया। भाई मेरे, मुमताज महल 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मलिका जमानी उर्फ मुमताज महल का मृत्यु हो गया। 1631 ईस्वी में मुमताज महल का डेथ हो गया।
मुमताज महल का कितना में डेट हुआ, याद रखना 1631 में। सगाई कब? 1607 में। विवाह कब? 1612 में। मृत्यु कब? 1631 में। बात क्लियर है। 1631 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद शाहजहां अर्थात इनके हस्बैंड पति ने इनका मकबरा के ऊपर यानी इनके कब्र के ऊपर आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। आपको तो पता ही है इनके कब्र के ऊपर आगरा में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। ऐसा बताता है कि ताजमहल आगरा में जो बनाया गया था वह हुमायूं के मकबरे का पूर्ववर्ती है। मतलब उसका नक्शा जो लिया गया था वह हुमायूं के मकबरे से उठाया गया था, इसलिए ताजमहल को हुमायूं का मकबरा का पुरोगामी माना जाता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ दे कि ताजमहल को क्या, हुमायूं के मकबरा का पुरोगामी किस जो है मकबरे को कहा जाता है? ताजमहल को। ताजमहल को हुमायूं के मकबरे का पुरोगामी कहा जाता है। आगे चलकर इनके पुत्र औरंगजेब जी, आपको बता दें आगे चलकर, अभी हम लोग औरंगजेब पर बात करेंगे मतलब इस टॉपिक के बाद, आगे चलकर औरंगजेब जो है अपने पिता यानी शाहजहां के जो ताजमहल बनवाया गया है उनके द्वारा आगरा में, उसका एक तरह से नक्शा मतलब उसका जो है एक प्रकार के उसी तरह का अपने पत्नी बोले तो क्या रबिया दुर्रानी, किसका भाई रबिया दुर्रानी यानी दिलरास बानो बेगम का मकबरा बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन वो बना नहीं औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहते हैं रबिया दुरानी यानी औरंगजेब की जो पत्नी थी उसका नाम दिलरास बानो बेगम भी था, तो उसी का जो है मकबरा के ऊपर जो है इस तरह का नक्शा बनाने का कोशिश किया था औरंगजेब ने। ताजमहल का फूहड़ नकाशा उसको बोला जाता है। प्रश्न बहुत पूछता है कि ताजमहल का फूहड़ नकाशा किसको बोलते हैं? कोशिश तो किया था ताजमहल जैसे बनवाने का औरंगजेब, लेकिन बना नहीं था, सक्सेस नहीं हुआ था। तो इसलिए याद रखिए कि ताजमहल का फूहड़ नकाशा बीबी के मकबरा को कहा जाता है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस मामले पे। तो देखिएगा 1631 में जब मुमताज महल का डेथ हो जाता है तो आगरा में इनके कब्र के ऊपर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और आपको बता दे ताजमहल का निर्माण कराने से पहले दो प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल का जो स्ट्रक्चर डिजाइन जो तैयार किया गया था वह उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। बात को ध्यान समझिएगा, ताजमहल का डिजाइन जो तैयार किया गया था डिजाइनर जो था उसका नाम उस्ताद ईसा था, लेकिन बनाने वाला कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल को बनाया है किसने? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल की रूप रेखा किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने। यहाँ तक बात करते हैं थोड़ी सी। हम देखिएगा यहाँ पर आपको तो यहाँ बात क्लियर हो चुकी कि शादी भी हुआ, पत्नी भी डेथ कर गई। अब थोड़ी सी बात को हम और आगे बढ़ाएं शाहजहां के बारे में। हम आपको बताए हैं कि शाहजहां तो यह नाम इनका कब हुआ। देखिएगा शाहजहां का अर्थ क्या होता है, कभी आपसे प्रश्न पूछ ले तो शाहजहां का अर्थ क्या होता है? शाहजहां का अर्थ होता है विश्व का शहंशाह। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे शाहजहां का अर्थ क्या होता है तो विश्व का शहंशाह, विश्व का शहंशाह। शाहजहां का रियल मीनिंग क्या होता है? विश्व का शहंशाह यानी जो है कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ किंग, विश्व का शहंशाह शाहजहां का अर्थ होता है। देखिएगा बात को समझिएगा, शाहजहां का एक और नाम मिलता है, शाहजहां का एक और नाम मिलता है इतिहास में, याद रखना पड़ेगा, बिल्डर, बिल्डर ऑफ मार्बल्स इनको बोला जाता है। शाहजहां का एक और नाम मिलता है बिल्डर ऑफ मार्बल्स। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि बिल्डर ऑफ मार्बल्स किसको कहा गया है तो याद रखिएगा बिल्डर ऑफ मार्बल्स शाहजहां का ही नाम है। शाहजहां का नाम खुर्रम भी है, आपको बताए हैं अकबर ने रखा था। शाहजहां का नाम खुर्रम पूछ दे किसने रखा? अकबर ने रखा। शाहजहां का नाम शाहजहां किसने रखा? तो इनके पिता जहांगीर ने रखा। मेरे भाई यहां पर बात याद रखना है, इनका नाम शाहजहां किसने रखा? तो शाहजहां जहांगीर ने रखा। खुर्रम किसने रखा? तो खुर्रम अकबर ने रखा। और वो बिल्डर्स ऑफ मार्बल्स किसको बोला जाता है? बिल्डर्स ऑफ मार्बल्स किसको बोला जाता है? तो शाहजहां को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ गए। अब थोड़ी समझिएगा इनका शाहजहां नाम जहांगीर ने क्यों रखा, शाहजहां नाम जहांगीर ने क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कारण है। जहांगीर के शासन काल के दौरान, जहांगीर के शासन काल के दौरान बहुत सारे ऐसे विद्रोह को शाहजहां ने दमन किया था। बात को ध्यान समझिएगा, जहांगीर के शासन काल के दौरान बहुत ऐसे विद्रोह थे
जिनका दमन किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। इसी बहादुरी पर खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम से शाहजहां उनका नाम रखा था। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, शाहजहां आगरा में सत्ता को कब संभालते हैं, यह भी बात याद रखिएगा। तो शाहजहां आगरा में गद्दी पर जो है बैठते हैं, गद्दी कब संभालते हैं? तो गद्दी या 1628 ईस्वी में संभालते हैं। कहां संभालते हैं मेरे भाई? तो याद रखना, आगरा में। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से उनका जन्म हुआ था लाहौर में। लेकिन शाहजहां गद्दी कहां संभालेंगे? तो आगरा में। कब संभालेंगे? तो 1628 में। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा, 1628 में जब यह गद्दी संभाले तो इसके पीछे भी एक रीजन है। गद्दी संभाले तो किस नाम से संभाले? तो याद रखना, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। कहिएगा, बड़का नाम लिखते हैं। अरे भाई, ये तो टेंशन हो रहा होगा। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी, यह टाइटल लेके आगरा की गद्दी संभाले थे 1628 में। आपसे यदि कभी प्रश्न पूछ दे कौन सा टाइटल लेकर गद्दी पर बैठे थे, याद रखना, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी, यही टाइटल लेकर शाहजहां आगरा की सत्ता को संभाले थे। यहाँ पर बात कर, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी और बातों पर हम प्रकाश डालें, और क्या क्या प्रश्न बनता है। देखिएगा, शादी भी हो गया, जन्म भी हो गया, सत्ता भी संभाल लिए, पत्नी भी गुजर गई, आगरा में ताजमहल भी बन गया, ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया, ताजमहल को बनाया उस्ताद अहमद लाहौरी ने। एक बहुत ही जरूरी बात, कौन सा बात जी? तो सुनने का कोशिश कीजिएगा। एतमाद उदौला कौन थे? आपको बात पता है एतमाद उदौला? तो एतमाद उदौला नूरजहां अर्थात मेहरुनिसा के पिताजी थे। एतमाद उदौला कौन थे? तो नूरजहां यानी मेहरुनिसा के पिताजी थे, जिसका मकबरा मेहरुनिसा ने आगरा में बनवाया। और आपको जानकर यह ताजुब होगा, प्रश्न बहुत पूछता है कि भारत में सबसे पहले पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन है? तो एतमाद उदौला का मकबरा है। भारत में सबसे पहला जो है पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना मकबरा कौन है? तो वही एतमाद उदौला का मकबरा, अर्थात कह सकते हैं नूरजहां के पिताजी का मकबरा आगरा में बनवाया है, नूरजहां ने स्वयं बनवाया है। लेकिन एक बात और याद रखें, वह पूर्णतः सफेद संगमरमर थे, लेकिन आपको हुमायूं के मकबरा पर लेके चले, तो हुमायूं के मकबरा में भी सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, लेकिन टॉम्ब में केवल किया गया है। पूरा मकबरा हुमायूं का सफेद संगमरमर से नहीं बना है, हुमायूं के मकबरा का जो टॉम्ब है, ऊपरी जो भाग है, उसी में केवल जो है सफेद संगमरमर लगाया गया है, बाकी सारे नीचे अंदर में नहीं। लेकिन एतमादुद्दौला का जो मकबरा है पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनाया गया है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सारू, इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। अब बात करें कि कहाँ पे सबसे पहले पितरा जड़ा दुराऊ का काम किया गया था। तो एतमाद उदौला के मकबरा में सबसे पहले पितरा जड़ा जड़ाऊ जो कार्यकारी थी, पितरा दुर्रा जड़ाऊ, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है पितरा दुर्रा जड़ाऊ। कहिएगा यार क्या है पितरा दुर्रा जड़ाऊ जी? पितरा दुर्रा जड़ाऊ इटली से भाई इसको मंगाया गया था। पितरा दुर्रा जड़ाऊ जो कलाकारी था, साड़ी सुनते हैं साड़ी का नाम, तो साड़ी में लगाया जाता है जड़ी, याद रखते हैं साड़ी में तो छोटा छोटा जो, तो उसी तरह का कारीगरी एक प्रकार का था। पितरा दुर्रा जड़ाऊ का काम जो है सबसे पहले एतमाद उदौला के मकबरा में किया गया था, पितरा दुर्रा जड़ाऊ। और आपको अब एक बात और बता दें, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण कराया है, पता होना चाहिए। शाहजहां ने मयूर सिंहासन जो बनाया है उसके सिंहासन के पीछे, मतलब जो सिंहासन बनाया गया है उसके सिंहासन के पीछे इस पितरा दुर्रा जड़ाऊ का भी काम किया गया है। उस पर पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस का चित्र बनाया गया है। शाहजहां का जो सिंहासन है जिसका नाम मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस भी कहते हैं, तो उस तख्ते ताऊस के पीछे यह पितरा दुर्रा जड़ाऊ का काम किया गया था।
और पित्राधुरा जड़ाओं के तहत पीछे जो है शाहजहां के सिंहासन के पीछे एक आर्फियस देवता है, जो बहुत ही पौराणिक ईरान के देवता बताए जाते हैं आर्फियस, उन्हीं का चित्र अंकित किया गया है, इसी जड़ाऊ काम करके बनाया गया है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पित्राधुरा जड़ाऊ जो है कहां से लिया गया है, या इटली से लिया गया है, या कलाकारी कहां से लिया गया है, इटली से लिया गया है, और फर्स्ट टाइम यह कहां प्रयोग किया गया था, तो एतमाद उदौला के मकबरा भी पित्राधुरा जड़ाऊ का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद शाहजहां के मयूर सिंहासन में भी इसको लगाया गया है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा अब हम बात करें शाहजहां पर और क्या प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। शाहजहां गद्दी को संभाल लिए, उसके बाद क्या बात आता है, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। शाहजहां के कुछ प्रमुख जो है कृतियों पर हम बात करें, शाहजहां के द्वारा निर्मित कुछ चीजें, शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतें या चीजें, निर्मित इमारतें, शाहजहां के द्वारा कुछ निर्मित इमारतें। आपको पता है एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ए एल श्रीवास्तव नाम का एक हिस्टोरियन, बात को ध्यान समझिएगा, कभी यदि आपसे प्रश्न पूछ दे तो याद रखिएगा, ए एल श्रीवास्तव यह एक इतिहासकार है। ए एल श्रीवास्तव जो इतिहासकार आप देख रहे हैं, इसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, बात को ध्यान समझिएगा। ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है। यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो याद रखें ए एल श्रीवास्तव ने कहा है। किसने कहा है? ए एल श्रीवास्तव ने। यहां पर बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। शाहजहां के द्वारा निर्मित जो है बहुत सारे इमारतें हैं। आपको पता है कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया, दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने कराया, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने कराया, दिल्ली में मुगल गार्डन शाहजहां ने बनवाया, उसके बाद लाहौर स्थित शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया। अब बात करें कि शाहजहां से इतना तो इमारतों के बारे में हम बात किए, कौन कौन से, याद रखिएगा दिल्ली का लाल किला, कौन कौन सी इमारत भाई, तो दिल्ली का लाल किला, उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, उसके बाद बात करें दिल्ली के जामा मस्जिद के बाद तो आपको याद रहना चाहिए आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, उसके बाद बात करें आगरा के मोती मस्जिद के बाद तो चार नंबर पे जो कम है वह ताजमहल, कहाँ भाई, तो ताजमहल भी कहाँ बनाया है, आगरा में। ताजमहल कहाँ बनवाया, आगरा में। उसके बाद हम बात करें तो ताजमहल के बाद दीवाने आम, और क्या बनवाया है इसने, दीवाने आम। उसके बाद बात करें तो और क्या बनवाया, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। उसके बाद बात करें तो दिल्ली में मुगल गार्डन, दिल्ली में कौन गार्डन भाई, तो मुगल गार्डन। यदि कहीं पूछ दे प्रश्न दिल्ली में मुगल गार्डन किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली में मुगल गार्डन किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली में मुगल गार्डन, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, और आओ लाहौर स्थित, लाहौर के किला में स्थित शीश महल, लाहौर के किला स्थित, लाहौर के किला स्थित शीश महल। कौन सा महल भाई, याद रखना है शीश महल, लाहौर के किला स्थित कौन सा महल, तो शीश महल। तो याद रखना है यह सब चीज, आपको याद करा दें एक बार फिर से, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने, आगरा में ताजमहल शाहजहां ने, दीवाने आम शाहजहां ने, दीवाने खास शाहजहां ने, दिल्ली में मुगल गार्डन शाहजहां ने, लाहौर किला स्थित शीश महल शाहजहां ने। इतना सारा चीज जो है शाहजहां ने किया है। इसी पर इतिहासकार ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है इनके टाइम को, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं तो हम आपको थोड़ा सा एक कहानी सुना दें जो अच्छा है, दिमाग में सेट हो जाएगा। शाहजहां की जो पत्नी थी अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम जी, शाहजहां की जो पत्नी थी, क्या नाम था, अभी हम बात कर नहीं रहे थे, अर्जुमंद बानो बेगम, या मुमताज महल, या उनका एक और उपाधि दिया गया था मलिका ए जमानी, उनसे कुल 14 संतान पैदा हुआ था। शाहजहां की पत्नी
मुमताज महल से कुल 14 संतान पैदा हुआ था। एक बात और बता दें कि 14 संतान जो पैदा हुआ था उसमें से 7 संतानें मर चुका था, अर्थात 7 ही जिंदा था। 14 में से 7 का मृत्यु हो चुका था और 7 ही जिंदा था। आपको बता दें उन 7ों में जो जिंदा था, उन 7ों में सबसे बड़ा जो पुत्र थे शाहजहां के, उनका नाम दारा सिको है, द किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, जिसको शाहजहां ने ही उपाधि दिया था शाह बुलंद इकबाल। दारा सिको सबसे बड़े पुत्र शाहजहां के बताए जाते हैं। कुल 7 पुत्र जो बचे थे, 7 का तो डेथ उनके शासन के दौरान ही हो गया था, लेकिन 7 में सबसे बड़े पुत्र जो थे वह दारा सिको थे। दारा सिको ऐसा बताए थे कि शाहजहां के बहुत ही प्रिय पुत्र थे, शाहजहां उसको हमेशा अपने पास ही रखते थे, ऐसा बताया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत शाहजहां को दारा सिको से ही था। दारा सिको के बारे में आपको बता दें कि बहुत ही प्रचंड और वीर साहस योद्धा दारा सिको बताए जाते हैं, शाहजहां के जो पुत्र हैं। औरंगजेब से भी बहुत जो है वीर थे। एक बात और स्पष्ट कर दें कि दारा सिको जो थे वह उस समय के उनको एक उपाधि दिया गया था, उसको याद रखना है, लवर ऑफ लर्निंग्स बोला जाता है। दारा सिको को लवर ऑफ लर्निंग्स यानी विद्या प्रेमी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, लवर ऑफ लर्निंग्स क्यों कहा जाता है शाहजहां को, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसलिए कहा जाता है, सॉरी शाहजहां नहीं भाई, दारा सिको को लवर ऑफ लर्निंग इसलिए कहा जाता है कि दारा सिको अपने जीवन के दौरान, अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा फारसी में ट्रांसलेट किया है किताबों को। दारा सिको को लवर ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, याद रखना। प्रश्न पूछता है लवर ऑफ लर्निंग किसको बोला जाता है, तो दारा सिको को, और लघु अकबर किसको बोला जाता है, तो दारा सिको को। दो को प्रश्न याद रखना है, लवर ऑफ लर्निंग, लघु अकबर और किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून, तीनों उपाधि दारा सिको को दिया गया। आपको बता दें लघु अकबर लेनपुल ने कहा था, दारा सिको को लघु अकबर की संज्ञा लेनपुल इतिहासकार ने दिया था। आपको बता दें लवर ऑफ लर्निंग दारा सिको को, उसके बाद किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून शाह बुलंद इकबाल, ये उपाधि उसके फादर शाहजहां ने दिया था। तो लवर ऑफ लर्निंग पे हम बात कर रहे थे, लवर ऑफ लर्निंग इसलिए बोला था कि दारा सिको अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे पुस्तकों को फारसी में ट्रांसलेट किया था। और आपको पता है कि महाभारत, भागवत गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषद, का ट्रांसलेट दारा सिको ने फारसी में किया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनम्मा के नाम से किया है। रजमनम्मा का अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। रजमनम्मा का अर्थ क्या होता है, युद्धों का पुस्तक। आपको बताते हैं योग वशिष्ठ का भी अनुवाद दारा सिको ने किया है, भागवत गीता का भी अनुवाद दारा सिको ने किया है, उपनिषदों का भी अनुवाद दारा सिको ने किया है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा बताया था कि दारा सिको बहुत ही बड़ा विद्या प्रेमी था, लवर ऑफ लर्निंग इसीलिए बोला जाता है। एक हाथ में वह भागवत गीता और दूसरे हाथ में कुरान लेकर हमेशा चलता था, इस तरह की बात उसके बारे में बताया था। चलिए कल हम लोग इस टॉपिक को और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी तमाम छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जीवन में कामयाब होने का सोचिए, उल जुलूल बातों में मत रहिए। आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस साल आप नौकरी लीजिए, हम लोग का भी नाम रोशन कीजिए और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन कीजिए, घर समाज में एक उजाला लाइए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।